हाय दोस्तों, तो भाई इस हफ्ते मैंने चैनल पे एक पोल डाला था आपसे पूछने के लिए कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, और उसमें ऑलमोस्ट 60% लोगों ने बोला कि पोको X2 का फुल रिव्यू, पोको X2 के इश्यूज के बारे में उन्हें वीडियो देखनी है। तो आज वही करने वाले हैं इस वीडियो में। पोको X2 को मैंने कुछ 1-1.5 महीना यूज किया था, और अच्छी चीजें तो हम सारी जानते ही हैं इस फोन के बारे में, बट आज मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी थी इस फोन के साथ, और मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए ये फोन खरीदने से पहले, या फिर जिससे आपका एक्सपीरियंस इफेक्ट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली चीज भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई रियलमी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं इस फोन में इश्यूज बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये फोन पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं अभी शुरू में ही बोल देता हूँ कि प्राइस हाइक होने के बाद भी ये सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फोन है इस टाइम अंडर 20,000। तो आ जाते हैं फोन पे। सबसे पहला इशू, जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी थी फोन को बॉक्स से निकालते ही, कि काफी बड़ा काफी बल्की फोन है ये। मुझे जनरली बड़े फोन यूज करना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बड़ी स्क्रीन पसंद है। ये वाला फोन पकड़ के मुझे भी लगा कि भाई थोड़ा ज्यादा बड़ा है ये फोन, और वैसे आप फोन को यूज करते रहोगे तो 3-4 दिन बाद आपको आदत पड़ी जाती है, बट इस फोन से जब मैंने स्विच करा गैलेक्सी S20 पे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था और कितना भारी एक्सपीरियंस है पोको X2 को यूज करने का। तो गैलेक्सी S20 भी वैसे कुछ छोटा फोन नहीं है, बट यहाँ पे आप इसके कंपैरिजन देख सकते हो कि पोको X2 अच्छा खासा बड़ा, अच्छा खासा मोटा है फोन। और अब अगर आपको लग रहा है कि गैलेक्सी S20 में तो छोटी स्क्रीन छोटी बैटरी है, तो यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ गैलेक्सी M31 से, जिसमें 6000 mAh की बैटरी हमें मिल जाती है, और उसके कंपैरिजन में भी आप देख सकते हो डायमेंशन में भी थोड़ा सा बड़ा है और हाथ में पकड़ के थोड़ा सा ज्यादा भारी भी है। अब यहाँ पे हमें ग्लास बिल्ड मिल रही है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रीमियम बिल्ड है, बट उसकी वजह से क्या होता है कि काफी इजिली यहाँ पे स्मज हो जाता है क्योंकि एकदम ग्लॉसी बैक हमें दी गई है, और कैमरा बंप भी यहाँ पे अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये सब चीज बचाने के लिए आप इस पे कवर चढ़ा के रखोगे, और कवर चढ़ा के और फिर ये थोड़ा मोटा हो जाता है। मतलब ऐसे कुछ बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक बार स्टोर्स में जाके इसको अपने हाथ में खुद पकड़ के देख लो, क्योंकि अगर आपके हाथ उतने बड़े नहीं है या फिर आपको आदत नहीं है बड़े फोन यूज करने की, तो ये फोन थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है। अगली चीज पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें पंच होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिल रहा है, और पोको ने यहाँ पे क्योंकि डुअल सेल्फी कैमरा यूज करे हैं तो पिल शेप्ड का पंच होल है, बट यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस करी कि एक्चुअली पूरा पिल शेप्ड कटआउट नहीं है, कटआउट दो छोटे छोटे होल्स हैं कैमरास के लिए, और उसके बीच में जो स्क्रीन है उसको पोको बाय डिफॉल्ट ब्लैक रखता है। तो दिन के टाइम में तो आपको नहीं फर्क पता चलेगा, दिन के टाइम में नॉर्मल लगती है, पर जब आप एकदम लो लाइट में, जब आप अपने बिस्तर में पड़े हुए रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको एकदम अलग से दिखती है चीज, और थोड़ा सा अजीब लगता है वो डिजाइन। यहाँ पे एक्चुअली बहुत बेटर होता है अगर पोको डबल पंच होल की जगह सिंगल पंच होल यूज करता, क्योंकि जैसा आप मेरे कैमरा टेस्ट में देखोगे डेप्थ सेंसर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है पोको ने, उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और LCD स्क्रीन का एक और जो ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पे आपको ट्रू ब्लैक्स नहीं मिलते हैं, तो अगर आप बिल्कुल लो लाइट में डार्क मोड में भी यूज कर रहे हो फोन को, तब भी अच्छी खासी लाइट आपको आती रहती है आंखों पे। पोको X2 के डिस्प्ले का एक और जो बहुत बड़ा फीचर है वो है इसका 120Hz रिफ्रेश रेट। तो सुपर मक्खन लगती है यहाँ पे चीजें, कुछ भी आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, कुछ भी एनिमेशन आपकी अगर होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि एनिमेशन तो तेज होती है, बट आपकी ऐप खुलने में ही जो एक आधा सेकंड एक सेकंड का टाइम लगता है, उसकी वजह से उतना ज्यादा फ्लूइड नहीं लग पाता एक्सपीरियंस जो आपको एक फ्लैगशिप फोन पे 120Hz के साथ मिलेगा। और अपनी यूजेज में मैंने काफी बार ये चीज नोटिस करी कि जब आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो या जब आप फास्ट मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कहीं पे थोड़े से एकदम से आपको स्टटर फील होते हैं, और ये जो हल्के से स्टटर होते हैं, ये जो जर्क्स होते हैं, ये यहाँ पे और ज्यादा फील होते हैं, इसलिए क्योंकि वो 120Hz रिफ्रेश रेट है। जब वो जर्क नहीं हो रहा होता है तब सब चीजें एक्स्ट्रा स्मूथ लग रही होती हैं, इसलिए हल्का सा भी एक कुछ होता है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा फील होता है। पर ये मतलब मोस्टली एक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की चीज है मेरे हिसाब से, और पोको को आदत है काफी सारे अपडेट्स रिलीज करने की, तो मेरे हिसाब से ये चीज शायद फिक्स हो जानी चाहिए। पर उसके अलावा जनरल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है, और ये जो स्टटर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, दिन में एक बार या दो बार से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब गेमिंग परफॉर्मेंस हम इस पे बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, लिंक्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे टॉप नॉच मिल जाएगी, गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा मैं हर बार पॉइंट करता हूँ, आप कंटिन्यूस गेमिंग कर रहे होते हो तो अच्छा खासा हीट हो जाता है फोन यहाँ से, मतलब मेरी टेस्टिंग में 45-46 डिग्रीज तक ये फोन पहुंच जाता है। बट अच्छी बात यह है कि इतनी हीटिंग के बाद भी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और आई थिंक ये हीटिंग भी उसी का नतीजा है क्योंकि ये इतना परफॉर्मेंस फोकस्ड डिवाइस है, तो पोको बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता है इसकी परफॉर्मेंस, और इसलिए शायद वो इतनी हीट जनरेट हो जाती है। बट ये चीज आपको पता रहनी चाहिए कि भाई हीट हो जाता है तो अगर आपने फोन खरीदा है या खरीदने की सोच रहे हो, तो एकदम टेंशन में मत आ जाना कि इतना हीट क्यों हो रहा है। कैमरास की बात करते हैं, तो कैमरास की टेस्टिंग में इसकी ऑलरेडी बहुत कर चुका हूं, लिंक यहां पे डाल देता हूं। बेसिकली कैमरा परफॉर्मेंस आपको यहां पे बहुत अच्छी मिल रही है, ऑलमोस्ट बेस्ट आप मान सकते हो अंडर 20,000।
प्राइमरी कैमरा से मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग की चीजें हैं वो तो पोको इंप्रूव करता ही रहेगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। वीकनेस अगर एक पॉइंट आउट करनी हो तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ जो वाइड एंगल कैमरा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है और मेन कैमरा के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी की आपको फोटोज देता है। बट इस चीज के लिए पोको को मैं ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइम बाकी जितने भी बजट फोन है मार्केट में सब में सेम इशू है, सब में सिमिलर ही वाइड एंगल लेंस यूज होती है। और ये एक चीज मैं डेफिनेटली देखना चाहता हूँ भाई इंप्रूव होते हुए जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आने वाली है। फाइनल चीज पे आ जाते हैं और जो सबसे बड़ा इशू है मेरा शाओमी फोन्स के साथ और इस पोको एक्स टू के साथ भी। शाओमी पहले काफी बदनाम था MIUI में एड्स दिखाने के लिए और उसके बाद शाओमी बोलता था कि भैया हमने बंद कर दिए एड्स दिखाने, और पोको पे तो इनफैक्ट वो कहते हैं कि हम एकदम एड फ्री एक्सपीरियंस दे रहे हैं। और एक्चुअली ये बात सच भी है उनके हिसाब से क्योंकि एटलीस्ट कोई डायरेक्ट एड्स आपको नहीं आते हैं कि सेटिंग्स मेन्यू के अंदर आपको एड दिख रहे हैं। बट यहाँ पे जो चीज इरिटेटिंग है ये जो बिल्ट इन एप्स हैं शाओमी की, इनकी भाई दिन भर में इतनी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं और वो भी गंदी गंदी रैंडम नोटिफिकेशंस। शाओमी का ब्राउजर ऐसी चीज सजेस्ट करता रहता है कि भैया एक आंटी की डांसिंग वीडियो देख लो, मतलब आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं। और ये मतलब जब आप सुबह सो के उठो और आप नोटिफिकेशन शेड खोलो और भरा पड़ा हो नोटिफिकेशन शेड 200 ऐसी नोटिफिकेशन से, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। खैर इसका जो नॉर्मल सोल्यूशन है कि आप नोटिफिकेशंस में जाके ऐसी सारी एप्स की नोटिफिकेशंस ही ऑफ कर दो, पर मतलब ये स्टिल एक बहुत इरिटेटिंग चीज है। ये चीज बाय डिफॉल्ट शाओमी को भाई बंद कर देनी चाहिए करनी अब तो। लास्ट चीज रह गई है बैटरी लाइफ, और बैटरी लाइफ में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं मिला। मेरे पूरे यूजेज के टाइम आराम से मुझे 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इससे मिल जा रहा था और मैं पूरे टाइम 120 Hz पे यूज कर रहा था। ऑब्वियसली आप 60 Hz पे यूज करोगे तो थोड़ा और बैटरी लाइफ मिल जाएगी मेरे हिसाब से, बट 120 से भी आपका काम चल जाना चाहिए। और एक चीज जिसमें शाओमी थोड़ा पीछे था रियलमी से वो थी चार्जिंग स्पीड्स। पोको एक्स टू के साथ उन्होंने वो भी थोड़ी इंप्रूव कर दी। 27 W चार्जर यहाँ पे मिलता है, उतना फास्ट नहीं है अभी भी जितना रियलमी के वूक चार्जर्स हैं, बट फिर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्पीड है। यहाँ पे बैटरी लाइफ में मेरे हिसाब से कोई भी इशू नहीं है। अब अगर बैटरी टेस्ट आपको इसका पूरा देखना है वो मैंने करा हुआ है, लिंक्स अगेन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पोको एक्स टू के बारे में पता होनी चाहिए। काफी बड़ा है फोन, ये पिल शेप कटआउट आपको काफी अजीब लगेगा शुरू में, बट धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। 120 Hz रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अभी आई थिंक सॉफ्टवेयर को थोड़ी और पॉलिशिंग चाहिए। शाओमी की एप्स आपको बहुत ट्राई करेंगी गंदी नोटिफिकेशन भेजना, तो भाई जैसी फोन लो आप सारी नोटिफिकेशन ऑफ कर देना उन एप्स की। फाइनली कैमराज में मेन कैमरा बहुत अच्छा है, वाइड एंगल थोड़ा सा खराब है, और सेल्फीज में ये जो एक्स्ट्रा कैमरा दिया गया है डेप्थ सेंसर एकदम यूजलेस है। ऑब्वियसली इनमें से कोई भी चीज ऐसे बहुत बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से आप सीधा फोन ही लेना ये मना कर दो। अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो तो इसके काफी क्लोज कॉम्पिटिटर से मैंने इसके फुल कंपैरिजन करे हुए हैं, लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, वो आप जरूर चेक कर लेना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या चीजें अच्छी हैं इस फोन में, क्या चीजें किसी और फोन में अच्छी हैं। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, आप बताओ वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने पोको एक्स टू खरीदा है आपको कोई और इश्यूज आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं तो नीचे जरूर छोड़ देना, और अगर आप ऐसी ही वीडियो किसी और फोन के लिए भी देखना चाहते हो तो जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए